मेंट विद एटॉमिक मास इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल बीसीसी। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक जेड की वैल्यू कितनी होती थी, 2। और यूनिट सेल लेंथ ए कितना है? 400 पिकोमीटर। पीको को सेंटी में कन्वर्ट करना है, हमने कैलकुलेट भी किया था, 400 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर में आएगा आंसर। हमें सिर्फ 4 चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 से, डिवाइड भी कर लेते हैं 100 से, तो 10⁻¹⁰, 2 0s से 2 0s कैंसिल, 4 × बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, −10, यहाँ पे पावर 2 थी, +2, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकाले 8, साइन लगेगा बढ़ेगा, −8 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू भी है हमारे पास, एम की वैल्यू भी है, एवोगैड्रोस नंबर भी है। लेट्स कैलकुलेट डेंसिटी, जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जेड कितना दिया है? 2। मोलर मास कितना दिया है? 100। अपॉन ए कितना दिया है? 4 × 10⁻¹⁸ का होल क्यूब। और एवोगैड्रोस नंबर 6 ही लिख लेते हैं, 10⁻²³। 2 × 100 = 200। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 6 × 8 = 3 = how much? 24। और प्लस माइनस माइनस, 10⁻²³। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर बन रहा है। 24, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 36, 37 = 38, 2 प्लस माइनस माइनस, बेसिस सेम है तो −24 पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 200 / 384 × 10⁻², प्लस माइनस माइनस, 24 में से 23 निकाले 1, साइन लगेगा बढ़ेगा, −1, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी 2000 / 384। 3 6 = 18, 6 की टर्म्स में आएगा, मतलब 5 के करीब आ रहा है आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस।